हेलो स्टूडेंट, आज हम पहुंच चुके डीसी के 24th क्लास तक। आज इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटरनेट क्या होता है। हम जानेंगे आज इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट हमारा एक बहुत बेसिक सा डेली लाइफ में यूज होने वाला एक नेटवर्क है। हम इस नेटवर्क के बारे में आज जानते हैं कि आखिर ये काम क्या कैसे करता है, आखिर इसकी और भी क्या क्या फंक्शन है, इससे क्या क्या बेनिफिट है, इसके यूज क्या है, हम ये सब कुछ आज इस क्लास में जानने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट करेगा, इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। ये क्लास आपका सेकंड लास्ट होने वाला है डीसी का। इसके बाद आपके लिए एक क्लास और आएगा जिसमें मैं आपको ईमेल के बारे में बताऊंगा। तो उसके बाद फिर ये क्लास लास्ट हो जाएगा। इसके बाद इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत सारे दूसरे कोर्स आने वाले हैं, तो आप जरूर उनका फायदा उठाना चाहोगे, इसलिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट है जो एक ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि जो पूरी दुनिया में फैला हो, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो, वो एक ऐसा इंटरनेट एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। इट कंप्राइज ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कैरी एंड ट्रांसफर वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर। इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस कनेक्ट है जो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर करते हैं डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस के मदद से। डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम, जीपीएस यूनिट, सेल फोन, कार अलार्म्स, वीडियो गेम्स कंसोल आर कनेक्टेड टू द नेट्स। आज ये सब सब कुछ जो डेस्कटॉप देख रहे हैं, मेन फ्रेम देख रहे हैं, आपका मोबाइल है, जीपीएस यूनिट है, या फिर सेल फोन है, या फिर कार का जो अलार्म है, या फिर वीडियो गेम कंसोल, से ये सारे आज इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इसकी मदद से हम एक डाटा को दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब हम जानते हैं यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज क्या है? Getting information on the various topic, various electronic newspaper and magazine. आज हम इंटरनेट की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर की मदद से बहुत जगह की, दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स को देख सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, बिलिंग्स, बैंकिंग, प्लान, वैकेशन, etc. आज हम इंटरनेट की मदद से शॉपिंग कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, या फिर बैंकिंग कर सकते हैं, या फिर हम कोई वैकेशन प्लान कर रहे हैं। हम मानते हैं हमें गोवा घूमना है, तो हम गोवा घूमने जाने के लिए वहां जाके कुछ प्लान नहीं करते। हम घर पे बैठे बैठे पहले ही सब कुछ, होटल बुक करना, कहाँ घूमना है, कार बुक करना, कहाँ रेस्टोरेंट में रुकना है, कहाँ खाना है, ये सब कुछ हम लोग आज घर पे बैठे बैठे इंटरनेट की मदद से कर लेते हैं। वॉचिंग मूवी एंड टीवी शो ऑनलाइन। आज हम इंटरनेट की मदद से मूवीज को या फिर टीवी शोज को ऑनलाइन देख सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर, अपने एंड्रॉयड टीवी के ऊपर। बुकिंग रेलवे एंड एयर टिकट्स। हम लोग जो है रेलवे टिकट को या फिर एयर टिकट को आराम से बुक कर पाते हैं। लर्निंग कंप्यूटिंग एंड कनेक्ट इंफॉर्मेशन। आज हम इंटरनेट की मदद से सीख पाते हैं, किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं और कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं किसी के। इसका मतलब है कि हम आज जैसे कि अभी आप यूट्यूब के ऊपर आए हैं सीखने के लिए कम्युनिकेट, आप व्हाट्सएप के ऊपर जाके अपने दोस्तों के साथ चैट करते हैं, अभी कम्युनिकेशन का काम करता है, ये कम्युनिकेट करवाता है आपको, या फिर आप किसी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं, मतलब कि वो किस क्लास में है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ये आपको फेसबुक के अबाउट अस पेज में आपको ज्यादातर देखने को मिलता होगा। उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये सब जान सकते हैं। नेविगेटिंग एंड मैपिंग प्लेस। आप नेविगेटिंग कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और किसी भी चीज को प्लेस कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, अपने घर को प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप ढूंढ सकते हैं किस कहीं भी एरिया को, किसी लोकेशन को आप आसानी से आज घर बैठे मोबाइल से ढूंढ सकते हो। कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट। अब हम जानते हैं इंटरनेट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है एक्सेस। इसका क्या काम होता है? टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद इंटरनेट। इसका हम यूज करते हैं इंटरनेट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए। रिक्वायर्ड सम ऑफ द एक्सेस कनेक्टिविटी। इसके लिए हमें कुछ एक्सेस कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है टू द इंटरनेट, इंटरनेट से। जैसे कि हमें कोई कंपनी का चाहिए, जैसे जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया, हमें इस इन लोग से एक्सेस लेनी पड़ता है कि हम इंटरनेट से डायरेक्ट जुड़ सके, या फिर हमें राउटर बिठाना पड़ता है, या फिर हम किसी और दूसरे तरह से कनेक्टिविटी का यूज करते हैं। फिर हम बात करते हैं चैट्स की, तो हम चैट करते हैं। मेनी ऑफ द वेबसाइट प्रोवाइड लाइव डिस्कशन ऑन द इंटरनेट विच इज कॉल्ड चैट। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आज हमें लाइव डिस्कशन का मौका देती है, हम अपने दोस्तों के साथ लाइव बात कर सकते हैं, जिसमें जूम एप्लीकेशन आज ज्यादा ट्रेंड में है।
तो ये भी इंटरनेट की मदद से किया जा रहा है, जिसे हम लोग चैट कहते हैं। ई-कॉमर्स, टेकिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑन द इंटरनेट इज कॉमन फिनोमेनन। आज ये कॉमन हो चुका है कि हम कोई ऑर्डर करते हैं और फिर प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं, तो ये ई-कॉमर्स के अंदर आता है। ईमेल, हम लोग अगले क्लास में ईमेल के बारे में जानने वाले हैं। ईमेल क्या होता है? एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स। पहले हम लोग जब ईमेल नहीं था तो हम लोग लेटर्स को एक्सचेंज करते थे पोस्ट ऑफिस की मदद से, लेकिन आज हम इसे इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स कहते हैं। ईमेल को एक इलेक्ट्रॉनिक लेटर भी कहा जा सकता है। मैसेज इन अ स्मॉल फाइल ऑन द इंटरनेट, इसके मदद से क्या करते हैं हम मैसेज को या फिर कोई छोटे मोटे फाइल्स को इंटरनेट की मदद से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू यूज ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर वाया इंटरनेट। FTP का काम क्या होता है? फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जो हमारे एक फाइल को दूसरी जगह पर पहुंचाता है बिटवीन कंप्यूटर्स के बीच में इंटरनेट की मदद से। अब हम बात करते हैं होस्टिंग की। मेकिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द अदर इंटरनेट इज कॉल्ड होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को दूसरे के लिए अवेलेबल करना इंटरनेट के ऊपर, इसे हम लोग होस्टिंग कहते हैं। मान लीजिए हमारा कोई वेबसाइट है और हम उसका होस्टिंग गोडैडी या होस्टिंगर से परचेस करते हैं, तो इसका मतलब कि हमने जो भी फाइल अपने वेबसाइट के ऊपर रखना है, जो भी इमेज है या फिर कोई टेक्स्ट है या फिर कोई PDF है या फिर कोई और वीडियोस है, उसे हम किसी होस्टिंग के ऊपर अपलोड करते हैं ताकि वो हमारे यूजर्स तक आसानी से पहुंचा दिया जा सके। फिर हम बात करते हैं सर्च इंजन की। दिस टूल्स आर ऑफ्टन यूज टू लुकिंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज द वेब हैज ग्रोन सो लार्ज इज विदाउट एनी इनहेरेंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज इंटरनेट जो है बहुत बड़ा हो चुका है, वेब भी बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसमें हमें कुछ भी ढूंढने में, कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने में सर्च इंजन बहुत ज्यादा मदद करती है। ये इन्फॉर्मेशन को जाकर देखती है और जो आपके कीवर्ड से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में वो लाके आपको इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देती है। तो आज ये सर्च इंजन काम आती है कि हमें किस तरह से इंटरनेट के ऊपर जो आज हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वो इन सर्च इंजन की मदद से हमें मिल पाती है। तो अब हम बात करते हैं सर्च इंजन की। व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन है क्या? द सर्च इंजन इज सॉफ्टवेयर सिस्टम। सर्च इंजन जो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन वेब। और इसका यूज क्यों किया जाता है? वेब के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। बाय यूजिंग द स्पेसिफिक कीवर्ड और द फ्रेज एंड रिटर्न बैक टू यूजर। इसका कैसे यूज किया जाता है? ये हमसे जो कीवर्ड लेती है या फिर कोई फ्रेज लेती है, उस कीवर्ड के मुताबिक अपने पास इंफॉर्मेशन ढूंढती है और उसे फिर हम यूजर्स को रिटर्न कर देती है। सम मोस्ट फेमस सर्च इंजन सर, और यहाँ पे कुछ फेमस जो बहुत ज्यादा फेमस हुए सर्च इंजन उनका नाम है। तो पहला आता है गूगल। गूगल को आज हम लोग सब लोग अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके साथ साथ याहू और बिंग है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल खुद की कंपनी है। तो इस तरह से हम लोग इन तीनों सर्च इंजन को जानते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज आती है। ज्यादातर हम लोग इंडियंस गूगल का यूज करते हैं जबकि अमेरिकन्स बिंग्स का ज्यादा यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं WWW की, वर्ल्ड वाइड वेब की। आपने हमारे वेबसाइट की URL को देखा होगा तो उसमें लिखा होगा www.theworld.in। वहां पर WWW क्या है? अब हम बताते हैं आपको WWW क्या होता है। द वर्ल्ड वाइड वेब इज इंटरनेट बेस्ड सर्विस। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस है। ये एक सर्विस है विच यूज टू कॉमन सेट ऑफ द रूल नोन एज प्रोटोकॉल। ये भी एक कॉमन सेट ऑफ रूल है जो जिसे हम लोग कॉमन जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये भी जो WWW है वो भी एक सेट है रूल का, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है। टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट अक्रॉस द इंटरनेट इन द स्टैंडर्ड वे। ये क्या करता है? एक स्टैंडर्ड वे में इंटरनेट के ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट को प्लेस करता है, शेयर करता है या फिर कहें बांटता है। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय टिम वर्नरली इन 1989। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इन्वेंट कब किया गया था? 1989 में। किसके द्वारा? टिम वर्नरली के द्वारा। इन 1995 द फर्स्ट कनेक्शन वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर व्हाट इज टुडे नोन एज इंटरनेट।
जो पहला कनेक्शन था वो जब 1995 में बनाया गया था और जिसे आज हम लोग इंटरनेट के तौर पे जानते हैं। इन अप्रैल 1993 में दिस टेक्नोलॉजी वाज अवेलेबल फॉर एनीवन टू द यूज ऑफ रॉयल्टी फ्री बेसिस। 1993 में या कहीं 1993 के बाद, अप्रैल 1993 के बाद या 1993 में इस टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कर दिया गया था हर एक के लिए, हर यूजर के लिए। इसके पहले केवल ये अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता था, लेकिन इसके बाद ये रॉयल्टी फ्री बेसिस पे ये पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल कर दिया गया। द रिसोर्स ऑफ www में भी एक्सेस बाय यूजर बाय अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन कॉल्ड वेब ब्राउजर। ये जो कोई भी रिसोर्स जो www के जो द्वारा प्रोटोकॉल के द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है, उसे एक्सेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, और उसे हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, इसके हम यूज से इंटरनेट के ऊपर किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं जो www प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम तक आती है। एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बहुत पहले डेवलप किया गया था। ये वेब ब्राउजर था जो अब बहुत स्लो हो गया है, इसे डेवलप करके एज में बदल दिया गया और ये अब काफी अच्छा रिस्पांस कर रहा है। फिर आती बात गूगल क्रोम की। हम लोग गूगल क्रोम का भी यूज करते हैं। सफारी, जो एप्पल यूजर है वो जानते हैं ये सफारी क्या है, वो भी एक वेब ब्राउजर जो एप्पल के द्वारा मैक में यूज किया जाता है या फिर ISO में यूज किया जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में हम आगे किसी दूसरे क्लास में बात करेंगे। अब हम जानते हैं वेब ब्राउजर क्या होता है। यहाँ पे तो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि वेब ब्राउजर क्या होता है, लेकिन हम अभी यहाँ पे और भी वेब ब्राउजर थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर दैट लेट यू व्यू वेब पेज। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको वेब पेज देखने में मदद करता है, ग्राफिक्स और ऑनलाइन कंटेंट और कोई ऐसा कंटेंट जो ऑनलाइन है उसे भी देखने में आपको ये मदद करता है। इट डिजाइन टू कन्वर्ट HTML एंड XML into readable document। इनको डिजाइन किया गया है किस लिए, ताकि ये HTML डॉक्यूमेंट को और XML डॉक्यूमेंट को आपके लिए रीडेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सके। बेसिकली ये कन्वर्ट करता है HTML और XML डॉक्यूमेंट को रीडेबल डॉक्यूमेंट में। तो इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, ETC और भी है जिसके बारे में आप सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, जिस क्लास में मैं आपको ईमेल बताऊंगा और वो क्लास हमारे DCA का लास्ट क्लास होगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।